हाँ तो स्टूडेंट्स, आपके सामने कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। और मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि बीकॉम थर्ड ईयर की क्लासेस चल रही है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके चैप्टर चल रहा है और ये है ईएफएम का पेपर 2 बिजनेस बस्टिंग। तो बिजनेस बस्टिंग की बुक से चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल और क्वेश्चन नंबर चल रहा है 13, बुक है आपकी एमआर अग्रवाल की और हम पढ़ रहे हैं केई मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। तो क्वेश्चन की डिटेल एक बार पढ़ लेते हैं। इशू 2000 न्यू इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट पार, फ्लोटेशन कॉस्ट इज 5% ऑफ द शेयर प्राइस, डिविडेंड ₹10 पर शेयर, ग्रोथ रेट 5%, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके ये हो गया है। सेकंड क्वेश्चन यहां पे आपको दे दिया है, इफ द करंट मार्केट प्राइस ऑफ एन इक्विटी शेयर इज 160, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर। तो आपको दो क्वेश्चन इस क्वेश्चन में दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के सब क्वेश्चन हैं फर्स्ट और सेकंड। तो देखिए, ये तो हमें समझ में आ गया कि हमें केई मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर आपको कैलकुलेट करनी है। हमारे पास देखें क्या है, डीपीएस, तो हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे डिविडेंड यील्ड मेथड का यूज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में डिविडेंड आपको गिवन है, तो आप जो निकालेंगे वो होगी केई आफ्टर टैक्स। तो डिविडेंड यील्ड मेथड के थ्रू केई आफ्टर टैक्स की कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। फॉर्मूला यूज करेंगे डीपीएस यानी कि डिविडेंड पर शेयर अपॉन एमपीएस यानी कि मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100 प्लस जी यानी कि ग्रोथ रेट। अब डीपीएस का मतलब यहां पे देख लेते हैं, डीपीएस का मतलब हो जाता है डिविडेंड पर शेयर। एमपीएस ले लेते हैं मार्केट प्राइस पर शेयर, और जी भी लिख लेते हैं ग्रोथ रेट। तो देखिए, तीनों का मतलब हमने बड़ी ही सफलतापूर्वक लिख लिया है। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं हम। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर हमारे पास 2000 है, ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है, नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर। 100 रुपीज फेस वैल्यू है आपके शेयर की, ये आपकी हो जाती है फेस वैल्यू ऑफ शेयर। फ्लोटेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इशू को कहते हैं, तो आपके पास जो इशूड कॉस्ट है वो 5% है, एक शेयर का 5% यानी कि 100 रुपये का 5% 5 रुपये, ये आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट हो जाती है या शेयर इशू एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो जब हम एमपी की बात करेंगे, आज जो मिल रहा है हमें 100 आपका इशूड प्राइस है, इसमें से लेस किया आपने फ्लोटेशन कॉस्ट, ₹5, तो 95 ये जो आया ये आपके मार्केट प्राइस हो गया पर शेयर। डिविडेंड आपको गिवन है क्वेश्चन में DPS 10 रुपीज, ये आपको यहाँ पे गिवन है पर शेयर डिविडेंड। ग्रोथ रेट आपको जी गिवन है 5%, ये यहाँ पे गिवन है बस। तो देखिए, ग्रोथ रेट जी ले ली हमने 5%, DPS 10 रुपीज पर शेयर था, ये DPS ले लिया। मार्केट प्राइस पर शेयर चाहिए था न्यू शेयर का 4, न्यू इक्विटी शेयर
तो देखिए न्यू इक्विटी शेयर है 20,000, 100 रुपये का था, 5% कॉस्ट आई तो 95 आई। अब फॉर्मूले में हम वैल्यूज रख देंगे तो हमारे पास DPS आया था 10, MPS 95 × 100 और ग्रोथ रेट थी 5। तो DPS जो आएगा हमारे पास हो जाता है 10 by 95 into 100 plus 5, तो 15.53। तो 10 by 95 into 100 जब हम करेंगे तो आपके पास आएगा 10.53 प्लस करेंगे 5%, तो आपके पास टोटल वैल्यू हो जाती है 10 प्लस 5, ये हो जाता है 15.53%। तो ये आ जाती है आपके पास वैल्यू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर। या KE4 न्यू इक्विटी शेयर। तो इस तरीके से आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर न्यू इक्विटी शेयर के लिए। फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड मेथड ये कह रहा था इफ द करंट मार्केट प्राइस ऑफ एन इक्विटी शेयर ₹160, अगर एग्जिस्टिंग प्राइस 160 हो तो शेयर की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम इस क्वेश्चन की जो डिटेल है उसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं जिससे कि हमें बढ़िया जगह मिल जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये जो वैल्यूज है ये तो हमारे काम ही नहीं आएगी। फॉर्मूले का मतलब, फॉर्मूला भी यही यूज होगा, फॉर्मूले का मतलब भी सेम रहेगा। कंसंट्रेट करना है केवल इस लाइन पे, इफ द करंट मार्केट प्राइस ऑफ एन इक्विटी शेयर इज 160, तो आपका मार्केट प्राइस जो हो जाता है MPS वो 160 हो जाती है। फॉर्मूला आपको एज इट इज यही रहेगा आपका। तो DPS जब आप लेंगे तो DPS आपकी पहले जो थी वही रहेगी 10, MPS आपके पास 160 हो जाता है। ये जो फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं KE4 एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर, तो देखिए KE हम कैलकुलेट कर रहे हैं एग्जिस्टिंग शेयर के लिए, तो DPS आपकी 10 हो जाती है, MPS आपकी 160 हो जाती है और इनटू 100 प्लस ग्रोथ रेट थी हमारे पास, ग्रोथ रेट 5% थी तो हम वही यूज कर लेते हैं 5%। MPS चेंज होगी क्योंकि MPS के लिए इसने खुद ने कह दिया कि अगर मार्केट प्राइस ऑफ एन इक्विटी शेयर इज 160 हो तो अगर 160 हो तो हम 160 को यूज़ कर लेंगे MPS। तो 10 by 160 into 100 आपके पास हो जाता है 6.25, ये परसेंटेज में आ गया, प्लस 5%, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 11.25% आपकी ग्रोथ रेट हो जाती है। ये लीजिए, तो सेकंड केस में जो आप सॉल्व करेंगे वो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो था उसकी आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल सॉल्व कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये क्लियर हो गई होगी और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम अब इस क्वेश्चन में आपको नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू गाइस, फिर मिलेंगे, सी यू सून। हाँ तो स्टूडेंट्स, BCom फाइनल ईयर के लिए आपका वीडियो ऑनलाइन क्लासेस का वीडियो देख रहे हैं आप,
और कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके चैप्टर चल रहा है, EFM का सेकंड पेपर चल रहा है, बिजनेस बस्टिंग आपके पेपर का नाम है और आज का हमारा टॉपिक है KE मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। इससे पहले इस टॉपिक पे आपको एक दो वीडियो मिल चुके होंगे अब तक और ये जो क्वेश्चन है आपके सामने वो क्वेश्चन नंबर 14 है एम आर अग्रवाल की बुक से। स्काई लार्क लिमिटेड ये कंपनी का नाम है इसका और कंपनी की जो डिटेल है वो आपके सामने है। देखिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं 10 लाख। मार्केट प्राइस ऑफ एक्सिस्टिंग शेयर है ₹60 पर शेयर। नेट अर्निंग्स ₹90 लाख है और आपको जो कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर, आपको एग्जिस्टिंग शेयर की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। सेकंड जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर, तो आपको न्यू इक्विटी शेयर की कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी है। साथ ही आपको क्वेश्चन में हिंट दिया गया है कि एज्यूमिंग द न्यू शेयर विल बी इश्यूड एट प्राइस ऑफ 52, जो न्यू शेयर है वो ₹52 में इशू किया गया है पर शेयर और कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर है ₹2। तो ₹52 का में आपने शेयर इशू किया है और जिसकी कॉस्ट है वो ₹2 है, तो आपको जो MP मिल रहा है वो ₹50 है, ये कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन की डिटेल और क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये हम देख लेते हैं। आपको अर्निंग दी हुई है तो ये जो क्वेश्चन सॉल्व होगा ये अर्निंग यील्ड मेथड के थ्रू सॉल्व होगा। मेथड हम KE कैलकुलेट कर रहे हैं यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। फॉर्मूला यूज करेंगे EPS अपॉन MPS मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट, अगर है तो यूज कर लेंगे, नहीं है तो 0 लगा देंगे। ये हमारा फार्मूला हो जाता है KE का आफ्टर टैक्स के लिए। अब EPS का मतलब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आपके EPS हो जाती है अर्निंग पर शेयर। MPS के लिए आप यूज कर लेंगे मार्केट प्राइस पर शेयर। और G का मतलब आप यूज कर लेंगे ग्रोथ रेट। देखिए अब हमारे पास अर्निंग कितनी है तो EPS आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी अर्निंग पर शेयर। मैंने आपको बताया था आप फार्मूला यूज कर सकते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसे हम अर्निंग कहते हैं, अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो देखिए जब आप EPS कैलकुलेट करेंगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके पास 90 लाख है और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपके पास 10 लाख है, तो ये आपके पास नेट प्रॉफिट नेट अर्निंग हो जाती है, ये आपके पास नंबर ऑफ शेयर हो जाते हैं 10 लाख। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक शेयर पे आपके पास ₹9 अर्निंग आ जाती है। तो ₹9 आपके पास अर्निंग आ जाती है और MPS की अगर बात की जाए तो MPS आपको क्वेश्चन में गिवन है ₹60, मार्केट प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर 60, तो यहाँ पे MPS आपके पास 60 है। G आपके पास 0 है, G इज इक्वल टू 0, ग्रोथ रेट है नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं। अब आपको फार्मूले में केवल वैल्यूज को रखना है तो EPS हम रख देते हैं ₹9, ये रही। MPS आपकी थी ₹60 × 100 और प्लस ग्रोथ रेट है आपके पास 0, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और ये 15% आप अर्निंग यील्ड मेथड के थ्रू KE आपकी कैलकुलेट कर सकते हैं जो आपके पास है
15%। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन तैयार हो जाता है, जो था कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर। तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर की जो वैल्यू होगी वो होगी 15%। ये आपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर की। कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर, तो देखिए फॉर्मूला आप यही यूज करेंगे, ईपीएस अपॉन एमपीएस। लेकिन ईपीएस आप कितना लेंगे, तो ये यहां पे देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर एज्यूमिंग द न्यू शेयर विल बी इश्यूड एट प्राइस ऑफ ₹52 पर शेयर। तो यहां पे जो आपका एमपीएस आएगा, लगता है इसकी डिटेल थोड़ी सी हमको मिटानी पड़ेगी। ईपीएस हमें दिया हुआ है क्या, इसमें ईपीएस दिया हुआ नहीं है, यूज तो यही करना पड़ेगा। तो देखिए फार्मूला तो हम वही यूज करेंगे ईपीएस वाला, तो ईपीएस हमारे पास हो जाए, फार्मूला भी लिख लेते हैं, ईपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100 प्लस जी, ये आपके के ही आ जाएगा न्यू शेयर के लिए। तो ईपीएस आपके हो जाता है 9। एमपीएस आपके पास क्या हो, तो एमपीएस देखिए आपके पास 52 था, इसमें से ₹2 एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ये 52 आपकी मार्केट प्राइस थी, इशूड प्राइस, और इसमें से ₹2 आप खर्च भी कर रहे हैं, तो ये आप लेस करेंगे इन 200, और प्लस ग्रोथ रेट आपके पास है नहीं है, जीरो है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आगे जाके हो जाता है 9/50 × 200। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 9/50 × 200 ये आपके पास हो गया 18%। तो इस केस में आपकी जो केई आई है वो होगी 18%। तो ये आपका आंसर हो जाता है सेकंड केस का। तो ये सेकंड केस आपके पास सॉल्व हो जाता है, वहां पे आपके फर्स्ट केस सॉल्व हो जाता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व कर सकते हैं। अब केई के ये जो क्वेश्चन हमने आज किए हैं, अब आप इस टॉपिक पे और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको हमें सेंड कर सकते हैं। जल्द से जल्द उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके एक वीडियो बनाकर आपको जल्दी सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू गाइज, फिर मिलते हैं, सी यू सून। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। वी आर वॉचिंग बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम थर्ड ईयर क्लासेस, एंड आवर टॉपिक इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दिस इज पेपर 2 फॉर EFM सब्जेक्ट, एंड आवर पेपर नेम इज बिजनेस वेस्टिंग। और आप क्वेश्चन नंबर 22 देख रहे हैं, डेटा आपके सामने है क्वेश्चन का। ये जो क्वेश्चन है MR अग्रवाल की बुक से है, ये जो क्वेश्चन है MR अग्रवाल की बुक से है, और क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसको एक बार मैं रीड कर देता हूं जिससे कि आप इसको समझ सकें। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ राम लिमिटेड, ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर हमें गिवन है, ये राम लिमिटेड का कैपिटल स्ट्रक्चर है। नंबर 1 पे आपको इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है 4 लाख रुपीज, और आपको ब्रैकेट में यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया गया है कि 4000 शेयर है 100 ईच, यानी कि ये जो 4 लाख रुपीज की कैपिटल है इसमें 4000 इक्विटी शेयर है और एक शेयर 100 रुपीज का है। सेकंड नंबर पे 7% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, यानी कि 2,50,000 के आपको डिबेंचर गिवन है 100 ईच। इसका मतलब ये हो गया एक डिबेंचर 100 रुपीज का है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर आपके पास हो जाते हैं 2,500। और ये जो 7% है ये रेट ऑफ डिविडेंड है, तो रेट ऑफ डिविडेंड आपके सामने है 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, डिबेंचर है तो डिविडेंड नहीं होगा, यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना होगा। तो ये जो 7% है रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, और नंबर ऑफ डिबेंचर आपके पास होंगे 2,500। आप 2,50,000 में 100 का डिवाइड कर दीजिए तो नंबर ऑफ डिबेंचर आप कैलकुलेट कर पाएंगे, जो आपके पास 2,500 है।
नेक्स्ट हम देखेंगे 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है आपके पास 2,50,000 की, 2,500 शेयर है और 100 ईच है, ये आपको ये ब्रैकेट में गिवन है। रिटेन अर्निंग जो आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह प्रॉफिट वगैरह है वो है 1,00,000। तो ये आपके पास कैपिटल स्ट्रक्चर है। आगे क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन है आपको कि कंपनी हैज अर्न ₹20 पर शेयर ऑन इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर पे कंपनी ₹20 अर्न कर रही है पर शेयर। टैक्स रेट ऑन पर्सनल इनकम इज 25%, जो शेयर होल्डर्स है वो पर्सनल इनकम टैक्स जो पे कर रहे हैं वो 25% है और कॉरपोरेट टैक्स रेट 50% है। कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले देख लीजिए इसको कैलकुलेट करने के लिए हम परफॉर्मा बना लेते हैं इसका, तो हेडिंग डाल देते हैं हम कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहां पे हम ज्यादा बेटर है कि ये जो परफॉर्मा है ये लास्ट में हम बनाएं, क्योंकि अभी पहले रेट हमें इन चारों की कैलकुलेट करनी होगी, हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रेट है भी है नहीं है, तो ज्यादा अच्छा है कि हम इनको बाद में कैलकुलेट करें। तो हम पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लेते हैं। इसमें देखिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा यहां पे आपको 20 पर शेयर, कंपनी हैज अर्न रुपीज 20 पर शेयर ऑन इक्विटी। यहाँ पे एमपीएस गिवन नहीं है आपके पास, तो एमपीएस गिवन नहीं है तो इस केस में आप एमपीएस देखिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मार्केट प्राइस पर शेयर, एमपीएस का मतलब मैंने आपको ये बताया था, मार्केट प्राइस पर शेयर, तो एमपीएस की कैलकुलेशन आप कर सकते हैं अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर प्लस अमाउंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो देखिए अगर आपको इक्विटी शेयर की एमपीएस मार्केट प्राइस कैलकुलेट करनी है तो आप इक्विटी शेयर का अमाउंट और रिटेन अर्निंग का जो अमाउंट है दोनों को ऐड करके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का डिवाइड कर सकते हैं, इससे एमपीएस आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हमें देखिए एमपीएस गिवन नहीं है, और एमपीएस हमें क्यों चाहिए, जब हम आपको केई की रेट निकालेंगे तो केई की रेट के लिए फार्मूला होगा हमारे पास डीपीएस या फिर ईपीएस, या तो हम डिविडेंड यील्ड मेथड से कैलकुलेट करेंगे या अर्निंग यील्ड मेथड से कैलकुलेट करेंगे। और हमने इससे पहले वाले वीडियो में देख लिया होगा कि डिविडेंड यील्ड मेथड और अर्निंग यील्ड मेथड के लिए आपको या तो डीपीएस चाहिए होती है या ईपीएस चाहिए होती है, अपॉन एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर चाहिए होती है, इनटू 100 प्लस ग्रोथ रेट चाहिए होती है, तो हमें ये सारी चीज़ें चाहिए। तो डीपीएस तो हमारे पास फिर भी हो जाएगा, ईपीएस है 20 पर शेयर, तो यहाँ पे 20 पर शेयर ईपीएस से काम में ले लेंगे हम। एमपीएस हमारे पास है नहीं, ग्रोथ रेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो देखिए ईपीएस की जगह मैं 20 रुपीज यूज़ कर लूँगा, एमपीएस मेरे पास है नहीं है इनटू 100 और ग्रोथ रेट है 0, कि यहाँ पे हमारे पास एमपीएस नहीं है तो एमपीएस कैलकुलेट कैसे करें। एमपीएस कैलकुलेट करने के लिए यानी कि मार्केट प्राइस पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए मैं फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर प्लस अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर मेरे पास हो जाता है 4,00,000 और अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग मेरे पास है 1,00,000, तो इस तरीके से टोटल हो जाता है 5,00,000। इसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मेरे पास है 4,000, तो देखिए आगे 5,00,000 डिवाइडेड बाई 4,000 हो जाता है, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 125 ये मेरे पास एमपीएस आ जाती है। 5,00,000 डिवाइडेड बाई 4,000 125 मेरे पास
एनपीएस होगी। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लूँ तो मेरे पास केई आ जाती है, केई का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर 20/125×100 प्लस ग्रोथ रेट है 0, तो आपके पास 16% केई आ जाती है। देखिए हमें केई की जरूरत फिर से होगी, तो केई हमें दोबारा चाहिए होगी, इसलिए हम इसको ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे कि केई हमारी 16% है। अब सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं केआर की। तो देखिए केआर के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं केआर इज इक्वल टू केई 1-TP और 1-ब्रोकरेज। तो यहाँ पे आप सबसे पहले टीपी जानना चाहेंगे, तो टीपी का मतलब होता है पर्सनल टैक्स। पर्सनल टैक्स रेट, और टीपी के बाद आती है बी, तो बी का मतलब होता है ब्रोकरेज। तो बी फॉर ब्रोकरेज है, टीपी का मतलब पर्सनल टैक्स है, केई का मतलब आप जानते ही हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो देखिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे पास 16% है, 1-TP मतलब ये हमारे पास थी 25%। तो देखिए टीपी हमारे पास थी 25%, ये रही पर्सनल टैक्स। पर्सनल टैक्स रेट ऑन पर्सनल इनकम इज 25%, तो 25% का मतलब हो गया 0.25। 1-B है ही नहीं, 0 है, तो यहाँ पे 16 × अब 1- ये करेंगे तो ये आएगा 0.75 और इंटू ये हो जाएगा 1। अब 75 × 1, तो ये आपके पास 12% आ जाता है। इस तरीके से आप केई को कैलकुलेट, केआर को कैलकुलेट कर सकते हैं, और केआर का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो देखिए कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग भी आपने कैलकुलेट कर ली, केई भी कैलकुलेट कर लिया, तो हमारे पास केई भी है और केआर भी है। केई आपने 16% लिखा और केआर जो हमने कैलकुलेट किया है वो है 12%। अब हम केडी कैलकुलेट कर लें, तो केडी हम कहाँ पे कैलकुलेट करें, केडी हम यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं, तीसरी जगह में हो जाएगा। केडी का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो था R/NP। ज़्यादा अच्छा है एक बार इसको हम इरेज ही कर दें तो ज़्यादा बढ़िया तरीके से दिख जाएगा। तो देखिए केई और केआर ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, आगे हम देख लेते हैं केडी। केडी के लिए हमने फार्मूला बताया था R/NP × 100 और आफ्टर टैक्स के लिए आप इसको 1-टैक्स कर दीजिएगा साथ में, और तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा है जी। तो देखिए आर का मतलब हम लिख देते हैं इंटरेस्ट है, एनपी का मतलब है नेट प्रोसीड, यानी कि आपको जो मिला है अमाउंट रिसीव फ्रॉम डिबेंचर एट द टाइम ऑफ इशू, अमाउंट रिसीव फ्रॉम डिबेंचर एट द टाइम ऑफ इश्यू, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो आर है 100 रुपीज़ का 7%, तो 100 रुपीज़ का जब आप 7% कैलकुलेट करेंगे ये आपके पास आ जाता है 7
तो ये आपका आर हो जाता है 1 माइनस टैक्स यानी कि 50%, तो इसको 0.050 हो जाता है 1 माइनस, जब आप टैक्स करेंगे तो 7 ब्रैकेट में 1 माइनस 0.05, ये आपका टैक्स हो गया। एनपी आपके पास नेट प्रोसीड्स कुछ नहीं कह रहा, तो 100 रुपये का शेयर 100 में दिया होगा इनटू 100, जब कुछ नहीं कहे तो जितने का शेयर है उतने में इशू किया होगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाता है 3.5 और आगे भी ये 3.550 रहेगा, तो आपकी जो केडी हो जाती है वो हो जाती है 3.50%। तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर आ गई। अब हम बात करते हैं केपी की, केपी के लिए कुछ नहीं कह रहा, कहीं भी कुछ नहीं है, तो जो आपकी केपी की रेट है ये यही आपकी केपी हो जाती है। इसको आप सॉल्व करके दिखा सकते हैं, केपी केपी का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, डी अपॉन एमपीएस मल्टीप्लाई बाय 100। तो डी हमारे पास डिविडेंड है, डी का मतलब आपके पास डिविडेंड है, एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर है। तो देखिए डिविडेंड्स 100 रुपीज़ का 9% है, तो 9% हो जाता है आपके पास, तो ये 9 रुपीज़ हो जाएगा डिविडेंड। एमपीएस के लिए कुछ नहीं कह रहा, तो इसका मतलब 100 रुपीज़ का ये जो है शेयर यही इसकी एमपीएस हो जाएगी, अगर कहीं कुछ गिवन नहीं है तो, इनटू 100, तो ये 9% आपका केपी आ जाता है। तो इस तरीके से जो आप केपी लेंगे वो 9% हो जाएगा। तो हमारे पास केडी, केई, केआर और केपी सारी चीज़ें है। जब हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं तो अब हम आगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। हाँ, तो देखिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने लिख दी है। अब तो देखिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल करने के लिए हमें चार चीज़ें चाहिए होगी, के डी, के पी, के ई, के और के आर। यहाँ पे हम लिख देते हैं के ई, फिर है के डी, फिर है के पी, और के पी के बाद आ जाती है आपके के आर। क्लियर? तो सोर्सेज की अगर हम बात करें तो के ई मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई, इक्विटी शेयर कैपिटल। के डी मतलब आपके डिबेंचर हो जाते हैं, 7% डिबेंचर है आपके पास, शायद बिल्कुल 7% डिबेंचर है हमारे पास। के पी मतलब आपके प्रेफरेंस शेयर हो जाता है, 9% थे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। के आर मतलब आपकी रिटेन अर्निंग हो जाती है। ऊपर आप हेडिंग डाल सकते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कैपिटल, ये आप हेडिंग डाल सकते हैं कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब यहां पे आप जो अमाउंट है वो लिख देंगे। तो देखिए हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट था 4 लाख, डिबेंचर का अमाउंट आपके पास 2,50,000 था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट आपके पास फिर से 2,50,000 था, और रिटेन अर्निंग का अमाउंट था आपके पास 1 लाख। तो ये आपके पास अमाउंट था। अब देखिए आपको आगे जो कॉलम हमारे काम में आएंगे
वो कॉलम हमारे पास हो जाते हैं वेट, सीओसी, सीओसी का मतलब हो जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल या रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और लास्ट में हमारे जो काम में आएगा वो आएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये जो कॉलम है ये हमारे काम में आने वाले हैं। अब देखिए वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप ये जो अमाउंट आपको गिवन है सोर्सेज का, इसका आप टोटल कर लीजिए। तो अमाउंट का जब हम टोटल करेंगे, कैलकुलेटर कहाँ गया भाई, हाँ तो देखिए 4 लाख, 250, 250, 5 लाख और 5 लाख, ये आपका हो जाता है 10 लाख। तो आपके पास सोर्सेज का जो अमाउंट है इसका टोटल हो जाता है 10 लाख। अब आप वेट कैसे निकालेंगे, 4 लाख में आप डिवाइड करिए 10 लाख का, तो 4 लाख में हम डिवाइड करेंगे 10 लाख का, तो ये हमारा जाता है वेट ऑफ के ई, वेट ऑफ के ई, तो ये हो गया आपके 0.4। इसी तरह नेक्स्ट के डी का वेट जब आप निकालेंगे तो 2,50,000 है आपके पास, इसमें आप डिवाइड करेंगे 10 लाख का, और ये आपके पास आ जाता है जो भी टोटल है, टोटल आपके पास 10 लाख है, तो आप 10 लाख का डिवाइड कर दीजिए, 0.25 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0.25 आ जाएगा, और सेम इसी तरीके करेंगे तो ये 0.1 आ जाएगा। अब आप इन सब का टोटल कर सकते हैं, एक होगा और ये हमेशा एक ही होगा। फिर बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ई की आपकी क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल ली थी, ये हमने ली थी 16%, यहाँ पे कैलकुलेट की थी, तो आप इसको 16 कर देंगे, ये परसेंटेज में है, यहाँ पे लिख दीजिए आप 12। आपने के डी की आपने ली थी, ये रही के डी की परसेंटेज है हमारे पास 3.5, तो ये हम लिख देंगे 3.50%, और प्रेफरेंस शेयर की है 9%, यानी कि 0.9, और के आर रिटेन अर्निंग की परसेंटेज है आपके पास 12%, बिल्कुल के आर की परसेंटेज 12 है, तो ये आपके के ई की परसेंट थी, के डी की परसेंट 3.50 थी, के पी की परसेंट आपके पास 9% थी, और जो रिटेन अर्निंग है के आर उसकी परसेंटेज आपके पास है 12। तो आप इस तरीके से परसेंटेज को लिख लेंगे यहाँ पे के ई कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। अब आप वेट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉलम को, और इसका जो टोटल आए वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में लिखते जाइए। तो देखिए 0.4 को आपने मल्टीप्लाई किया 16 से, तो आपके पास हो जाता है 6.4। 0.25 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से, तो आपके पास हो जाता है 0.875। एक बार आप ये देख लीजिए आपको दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा है, वैसे दिख रहा होगा निश्चित रूप से, श्योर बिल्कुल आपको दिख रहा है, हाँ। तो देखिए 0.25 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.9 से, तो ये आपके पास आ जाता है 2.25। अब 12 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 से, तो ये इनटू 0.1, ये आपके पास हो जाता है 1.20। यहाँ पे आप टोटल कर लीजिए, तो जब आप टोटल करेंगे तो ये आपके पास हो जाता है टोटल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 6.4 प्लस 0.875, 2.25 और 1.20, आपके पास रेट आती है 10.725। तो देखिए इस तरीके से आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 22 था, एमआर अग्रवाल की बुक से ये क्वेश्चन आप कर रहे थे। और ये क्वेश्चन देखिए मैं आपको एग्जाम के लिए बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर से आता है वो यही होता है जो 20 मार्क्स में पूछा जाता है आपसे। क्वेश्चन हार्ड नहीं है लेकिन आता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन हार्ड हो वही एग्जाम में आए, अगर इजी क्वेश्चन भी आता है तो बात यह है ये आपको 20 मार्क्स दे के जाएगा, लेकिन ये देगा तब जब आप इसकी बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे। तो इस चैप्टर को आप बढ़िया प्रैक्टिस करके तैयार कर लीजिए, ये 100% श्योर आपको बीकॉम फाइनल ईयर के एग्जाम में 20 मार्क्स देने वाला है, बशर्ते कि आप इस चैप्टर को बढ़िया तरीके से तैयार करें। तो देखिए मैं आपको वैसे भी बता देता हूँ कि
हमारी बुक में लगभग 20 to 28 जो क्वेश्चन है वो एमआर अग्रवाल के बढ़िया क्वेश्चन है। मेरी आपको यही सजेशन रहेगा कि आप 3 to 5 times कम से कम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें जरूर से। थैंक यू गाइज, फिर मिलते हैं एक नई प्रॉब्लम के साथ नए दिन। थैंक यू वंस अगेन।